अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिच्छू है, ना कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से, शान से। सिप्पी फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था जीपी सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी। तकरीबन 3 घंटे 2 मिनट लंबी इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे थे सलीम जावेद की जोड़ी ने। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इस फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वॉकर, कुलभूषण खरबंदा, मैक मोहन, मजहर खान, बिंदु, हेलेन, यूनुस परवेज, दलीप ताहिल आदि। फिल्म शान अपने बेहतरीन गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने। फिल्म के ओरिजिनल साउंडट्रैक में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं दोस्तों से प्यार किया, नाम अब्दुल है मेरा, मितवा, दरिया में जहाज चले, जानू मेरी जान, प्यार करने वाले और यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा। के इन कर्णप्रिय गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, उषा उत्थुप और राहुल देव बर्मन ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म शान साल 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 5वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 3 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राम बलराम, जिसने 5.25 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म शोले की जबरदस्त सफलता के बाद निर्देशक रमेश सिप्पी से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थीं, अतः वो अपने आगामी फिल्म को और भी भव्यता देने पर विचार करने लगे। इस संबंध में जब शोले फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद से राय मांगी गई तो जावेद अख्तर ने कहा कि शोले कल्ट बन चुकी है और वर्तमान में उससे बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल है, अतः फिलहाल हमें नए कलाकारों को लेकर एक छोटे बजट की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनानी चाहिए। जावेद अख्तर की इस सलाह को तत्काल ही खारिज कर दिया गया, लेकिन अपना लेखक धर्म निभाते हुए उन्होंने शान फिल्म के लेखन में अपना 100% दिया। फिर भी उनके दिल में कहीं न कहीं यह बात दबी रह गई कि शोले की भव्यता और लोगों की उम्मीदों के आगे यह फिल्म नहीं टिक पाएगी, और अंततः जावेद अख्तर का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। फैक्ट नंबर 3, फिल्म का लेखन जब पूरा हो गया तो इसकी कास्टिंग शुरू हो गई और शीर्ष भूमिकाओं में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और परवीन बाबी को चुना गया। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते होते यह कास्टिंग पूरी तरह से बदल गई। दरअसल इस समय तक अमिताभ बच्चन का स्टारडम शिखर पर था और उस दौर के अन्य नायक, जिनमें धर्मेंद्र भी शामिल थे, खुद को कमजोर पा रहे थे और इस कोशिश में जुटे हुए थे कि अगर अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म में काम करना हो तो उसमें उनका रोल अमिताभ बच्चन के मुकाबले बेहतर हो। ऐसा ही फिल्म शान में भी हुआ, जहां धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ से बेहतर था। लेकिन यहाँ रमेश सिप्पी को यह भी डर था कि कहीं वो अमिताभ बच्चन के स्टारडम को भुनाने में चूक न जाए, अतः उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की भूमिकाओं को समान कर दिया। लेकिन जब यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ फिल्म ही छोड़ दी। इससे रमेश सिप्पी को धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने इस रिक्ति को शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी से भर दिया। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में एक बदलाव यह अवश्य हुआ कि अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के
उनके जगह पर प्रोन्नत हो गए और शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी उनकी जगह पर चुन लिए गए। खैर, फिल्म को छोड़ने की अगली बारी संजीव कुमार की रही, जो शुरू में सुनील दत्त के द्वारा निभाया गया बड़े भाई की भूमिका करने वाले थे, लेकिन उन्हें यह भूमिका ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसके बाद रमेश सिप्पी ने मजर खान के द्वारा निभाई गई अब्दुल की भूमिका उन्हें सौंप दी। परंतु उन्हीं दिनों संजीव कुमार को पहला हृदयाघात हुआ और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचे। परंतु अब्दुल की भूमिका में काफी फिजिकल डिमांड थी, ऐसे में संजीव कुमार ने शाकाल की भूमिका मांगी और इसके लिए रमेश सिप्पी शुरू शुरू में तैयार भी हो गए, जिसके बाद संजीव कुमार ने अपना सिर भी मुड़वा लिया, लेकिन अंत में रमेश सिप्पी उन्हें शाकाल की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और जब यह बात संजीव कुमार को पता चली तो वो स्वतः फिल्म से हट गए, जिसके बाद शाकाल की यह भूमिका कुलभूषण खरबंदा के पास चली गई। संजीव कुमार के बाद फिल्म छोड़ने वाले अगले कलाकार रहे विनोद खन्ना, जो ओशो रजनीश से कुछ यूं प्रभावित हुए कि न केवल उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया बल्कि अपने बेटों और पत्नी को भी त्याग दिया। खैर, विनोद खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद उनकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा साहब को दे दी गई। फैक्ट नंबर 4, शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने लेट लतीफी के कारण मशहूर थे, उनका यही रवैया इस फिल्म के दौरान भी जारी रहा। और जब उनके इस आदत से रमेश सिप्पी तंग आ गए तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और अपने पिता जीपी सिप्पी तथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद से इसका निदान करने को कहा। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह पर नसीरुद्दीन शाह को ले लिया जाए। खैर, जब इस बाबत नसीरुद्दीन शाह से बात की गई तो उन्होंने कुछ दिनों का मोहलत मांगा, क्योंकि वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो कि अंतिम चरण में था। यह जानकर जावेद अख्तर ने नसीरुद्दीन शाह से कहा कि आप क्यों एक छोटी मोटी फिल्म के चक्कर में पड़े हैं, आपको यह फिल्म छोड़कर शान से जुड़ जाना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह को यह बात बेहद बुरी लगी कि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी छोटे प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म की शूटिंग पूरा नहीं कर लेते, तब तक किसी अन्य फिल्म से नहीं जुड़ेंगे। खैर, जब फिल्म से निकाले जाने की बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो रमेश सिप्पी से मिले और अपनी गलती स्वीकारते हुए फिल्म में बने रहने की इच्छा जाहिर की, जो कि रमेश सिप्पी के द्वारा सहर्ष ही मान लिया गया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में मजर खान के चुने जाने का क्रेडिट जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी को जाता है। दरअसल, एक रात हनी ईरानी ने मजर खान को किसी डिस्को में देखा। मजर सचमुच बेहद आकर्षक लग रहे थे, ऐसे में उन्होंने मजर को जावेद अख्तर से मिलवाया और वो भी उस नवयुवक को देखकर काफी प्रभावित हुए और कहा कि आप अपनी कुछ फोटोज मेरे दफ्तर पर छोड़ दें। मजर खान ने जावेद अख्तर के कहे अनुसार कुछ फोटोज उनके यहाँ छोड़ आए। इस बात को कई महीने गुजरने के बाद एक दिन मजर खान को यह संदेश मिला कि रमेश सिप्पी को वो फोटोज बेहद पसंद आ गए हैं और उन्हें अपनी अगली फिल्म शान में लेना चाहते हैं। यह सुनकर मजर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि शोले जैसी कालजयी फिल्म बनाने वाले निर्देशक ने उन्हें पसंद किया है। फैक्ट नंबर 6, मजर खान को शान में चुने जाने की खबर जब मीडिया और आम लोगों तक पहुंची तो लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि वो फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे। लोगों के ऐसा सोचने के पीछे एक ठोस कारण भी था। दरअसल, लोगों को यह लग रहा था कि अमजद खान की तरह यह भी खान ही है और ये भी उन्हीं की तरह इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म शान से पहले मजहर साल 1979 की फिल्म संपर्क में नजर आ चुके थे। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप जानते हैं कि शाकाल का अड्डा जिस आइलैंड को बताया गया था वो इंग्लैंड स्थित स्टीफहोम आइलैंड है। जब कुलभूषण खरबंदा को यह पता चली कि उनका अड्डा इंग्लैंड में दिखाया जाएगा तो वो बेहद रोमांचित हो उठे। वो इस कल्पना में खो गए कि इस बार वो प्रोड्यूसर्स के खर्चे पर इंग्लैंड में एक लंबा वक्त गुजार पाएंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें यह जानकर झटका लगा कि सिर्फ स्टीफहोम आइलैंड को बाहर बाहर से शूट किया जाएगा, बाद बाकी शाकाल के अड्डे का अंदरूनी हिस्सा बॉम्बे स्थित एक स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माया जाएगा। यहाँ कुछ लोगों को यह भ्रम भी हो सकता है कि जब सुनील दत्त शाकाल के अड्डे से भाग रहे होते हैं तो शाकाल एक हेलीकॉप्टर से उन्हें गोली मार देता है और इसकी शूटिंग तो उसी आइलैंड के बाहरी इलाके में हुई है। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एक अलग ही खेल हुआ है। दरअसल, इस दृश्य में आप जो शाकाल बने कुलभूषण खरबंदा का क्लोजअप देखते हैं वो भारत में ही शूट हुआ है, बाद बाकी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए इंग्लैंड में फिल्माया
गाया गया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के गीत प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से की शूटिंग के दौरान परवीन बाबी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। दरअसल उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद वो अपने तत्कालीन प्रेमी कबीर बेदी के साथ इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गई थी। ऐसे में उन दिनों के एक प्रतिष्ठित मैगजीन में यह खबर छपी कि परवीन बाबी अब भारत कभी भी वापस नहीं लौटेंगी। फिल्म में परवीन का किरदार बेहद मॉडर्न और वेस्टर्न अंदाज लिए हुए था। इस स्थिति में रमेश सिप्पी ने अपना अगला विकल्प सिमी ग्रेवाल के रूप में तय किया और उन्होंने जुबानी तौर पर उनसे सहमति भी ले ली। लेकिन सारी अनुमानों को धत्ता बताते हुए परवीन बाबी कुछ ही दिनों में भारत वापस लौट आई और अपने हिस्से की शूटिंग को आगे बढ़ाया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में बिंदिया गोस्वामी के इंट्रोडक्शन सीन में आप जिस खूबसूरत टू सीटर कार को देखते हैं उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल यह पोर्च कॉन्टिनेंटल कार है जो खास तौर पर इस फिल्म की शूटिंग के लिए इम्पोर्ट की गयी थी। इस कार को लेकर यह जानना आपको बेहद हैरान कर सकती है कि साल 1980 तक भारत में यह एक ही पीस थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शूटिंग के बाद इस कार का क्या हुआ होगा। दरअसल शूटिंग पूरी होते ही इसे भारी कीमत पर बेच दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, शोले के बाद सिप्पी फिल्म्स की यह दूसरी ऐसी फिल्म रही जिसे लंदन में प्रोसेस किया गया था। गौरतलब है कि जहां शोले 70mm रिल्स और स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ रिलीज हुई थी, वहीं शान में उससे भी एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोविजन तकनीक का प्रयोग किया गया था। बताता चलूं कि सिप्पी फिल्म्स के रेगुलर सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा, जो कि शोले में अपने काम से खूब लोकप्रिय हुए थे, शान के शूटिंग के बीच में ही गुजर गए। ऐसे में उनके जगह पर सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेवारी एसएम अनवर को सौंपी गई, जो कि इससे पहले द्वारका दिवेचा को शोले में असिस्ट कर चुके थे। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के लोकप्रिय गीत यम्मा यम्मा का जो वर्जन आज हम सुनते हैं, वास्तव में वो एक रिहर्सल वर्जन है। दरअसल फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन इसे अंतिम रूप से एक बार और रिकॉर्ड करना चाहते थे और रफी साहब भी इसके लिए सहर्ष ही तैयार थे। लेकिन इसी दौरान रफी साहब का देहांत हो गया और मजबूरन रिहर्सल वर्जन ही फिल्म में उपयोग हुआ। वैसे जब तक यह बात बताया ना जाए कि यह फाइनल वर्जन नहीं है, तब तक इसका भान भी नहीं होता। बताता चलूं कि बतौर गायक राहुल देव बर्मन का रफी साहब के साथ यह अंतिम गीत रहा। फैक्ट नंबर 12, फिल्म के मुख्य खलनायक शकाल का किरदार एक जेम्स बॉन्ड फिल्म से प्रेरित है। दरअसल साल 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है यू ओनली लिव ट्वाइस। जेम्स बॉन्ड की फिल्में अक्सर अपनी ही तरह की टेक्नोलॉजी और स्टंट्स के लिए जानी जाती हैं, जिसमें हीरो और विलेन दोनों बेहद स्टाइलिश तरीके से पेश किए जाते हैं। उसी तर्ज पर फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस में भी डोनाल्ड प्लीजेंस ने ब्लोफेल्ड नामक एक विलेन का किरदार निभाया था। यह किरदार अपने रूप रंग और हाव भाव में काफी हद तक शकाल से मिलता जुलता है। वास्तव में रमेश सिप्पी अक्सर हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी जय फिल्म शोले भी कई विदेशी फिल्मों को मिलाकर बनी एक खिचड़ी थी। फैक्ट नंबर 13, सलीम खान ने इस फिल्म के बुरा प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए एक बार कहा था कि हमने इसके स्क्रीन प्ले पर कई गलतियां की जो कि दर्शकों को चुभ गई। शोले के मुकाबले इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इमोशनल ट्रीटमेंट की कमी रही। आज वर्षों बाद जब मैं इस फिल्म को देखता हूं तो अपनी गलती पर सिर पीट लेता हूं। गौर करें कि जब आपका बड़ा भाई मर गया हो और आप उसके कातिल से बदला लेने के लिए पर हो तो ऐसे में आप किसी लड़की के साथ रोमांटिक गाना तो नहीं गाते। लेकिन हमने फिल्म को बैलेंस करने के चक्कर में इसने जानू मेरी जान सरीखी एक गीत को डाला जो कि फिल्म की गंभीरता को कम करती चली गई। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार रमेश सिप्पी ने कहा था कि फिल्म के बॉम्बे में शूटिंग के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके सबसे बड़े कारण अमिताभ बच्चन थे। दरअसल इन दिनों अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता चरम पर थी। ऐसे में जब लोगों को पता चलता कि बॉम्बे के फला इलाके में वो शूटिंग कर रहे हैं तो उनकी भारी भीड़ उमड़ पड़ती, जिन्हें कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता और इसी कारण शूटिंग को रद्द करना पड़ता। रमेश सिप्पी आगे कहते हैं कि शूटिंग रद्द हो जाने के चलते उस दिन का पूरा सेटअप अगले दिन फिर से तैयार करना पड़ता और इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमिताभ बच्चन के एक सेकंड की शूटिंग का खर्च हमें 10,000 रुपये पड़ रहा था। फैक्ट नंबर 15, फिल्म शान न केवल बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ गई बल्कि अवार्ड्स के मामले में भी कमोबेश उसका ऐसा ही हाल रहा। साल 1981 में आयोजित 28वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के श्रेणी में दो नामांकन हासिल हुए थे, जिनमें से यह केवल एक
श्रेणी में ही विजय रही और यह श्रेणी बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का रहा, जिसके लिए यह अवार्ड एसएम अनवर साहब को हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1980 की सर्वाधिक चर्चित फिल्म शान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।